अब सरकारी शिक्षकों की भी लगेगी क्लास। स्पेशल क्लास में टीचर्स सीखेंगे टीचिंग टिप्स। स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले टीचर्स लेंगे ट्रेनिंग। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनाएंगे नया फॉर्मूला। जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन हकीकत तो यही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की भी अब क्लास लगने वाली है। दरअसल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए शासन अब नया फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। इस नए फॉर्मूले के तहत सरकारी टीचर्स को मैथ्स और साइंस जैसे जटिल सब्जेक्ट्स की क्लास दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मदद मिल सके। इंदौर में सोमवार को आयोजित संभाग स्तर की कार्यशाला में संभागायुक्त संजय दुबे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले में कार्य योजना तैयार कर अमल में लाने पर जोर दिया। ये तो आपकी चुनौती है कि अगर आपकी कक्षा में विषय का परीक्षण हो रहा है तो आप बच्चों को प्रेरित करें। इसका मतलब उन बच्चों को नहीं आता इसलिए परीक्षा में नहीं आए ना, ये तो जवाब नहीं है। ये तो बदनावत के लिए उतना ही लागू होता है जितना कि आपका बाग के लिए या गंदवाने के लिए होता है। इसमें नई चीज क्या है, इन दोनों में भिन्नता क्या है, क्यों बदनावत में ठीक है और इसमें खराब है, ये मुझे अवगत कराइए ना। आंकड़े देखकर नहीं होगा साफ जवाब, वो मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। आपने अगर कुछ प्रयास किया हो यहाँ आने के पहले कि क्या कारण है उसके जानने की कोशिश की हो, अपने संकुल प्रभारियों से बात की हो, उन शामिल नहीं करके आए, यही है ना। आपको यहाँ पर आकर के क्या यहाँ पर कोई रामायण का पाठ होना था, एक कथा प्रवचन होना है कि सुनाएंगे साहब महामहिम पंडित संजय दुबे जी, ऐसा होने वाला था। बताओ ये समीक्षा है तो आप समीक्षा की तैयारी करके क्यों नहीं आए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है। अधिकारियों की माने तो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जब मंथन किया गया तो ये बात सामने आई कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन दिया जा सके। उद्देश्य यह है कि इन शालाओं में सुविधाएं भी रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अध्यापन की गुणवत्ता है वो सुनिश्चित हो सके। और इसलिए हम तीन चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि जिन सभी शालाओं के सभी छात्रों का सभी विषयों में परीक्षाएं 3 बार आयोजित करते हैं, उसके अनुसार उनका आकलन कर उनमें क्या कठिनाइयां उनको महसूस की जा रही हैं, उनके सुधार के लिए सुधारात्मक और निदानात्मक कक्षाएं आयोजित करते हैं। दूसरा, हम शिक्षकों को अब निरंतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं पूरे संभाग में, जिसमें वो ऐसे विषय जिनमें उनकी खुद की परीक्षा की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि गणित के किस विषय में उनको कमजोरी है, और वो गणित के उस विषय के लिए एक दिन निश्चित रहेगा जो वीकेंड्स पर रहेगा, शनिवार और इतवार को 2 दिन उसका कैलेंडर रहेगा पूरे साल भर का। वो अपने विकास खंड की संबंधित शाला में जा करके उसके जो अच्छे और जानकार शिक्षक हैं उनसे उस बात का प्रशिक्षण ले सकेंगे, जिससे वो खुद भी सक्षम हो सके बच्चों को समझाने के लिए। हालांकि अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में मैथ्स और साइंस जैसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स को टोटा है। ऐसे में जब जो शिक्षक मौजूदा हालातों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें ही ट्रेनिंग दिए जाने की कवायदें शुरू की गई हैं। चुनौती है क्योंकि हमें अच्छे शिक्षक कई विषयों में नहीं प्राप्त हो पाते हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये चुनौती राज्य स्तर पर है, जिससे हम उसी लिए हम उन्हीं शिक्षकों में जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम प्रशिक्षित करने का निरंतर प्रक्रिया कर रहे हैं। पहले सामान्यतः साल में एक बार डाइट में जब ग्रीष्मावकाश होता है तब शिक्षा होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें केवल 10 दिन का होता है, उसमें सब विषयों की बात नहीं हो पाती है, पर्टिकुलरली टॉपिक्स पर बात नहीं हो पाती है, और कभी कभी हो भी जाती है तो उसके बाद वो भूल जाते हैं क्योंकि हो सकता है वो विषय उनको पढ़ाने में 6 महीने बाद आए। हमने व्यवस्था ये रखी है कि हम उस तरह से कैलेंडर बना रहे हैं कि हम प्रशिक्षण निरंतर बना करके रख सकें। बहरहाल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पहले भी कई तरह की योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब शासन का ये फॉर्मूला कारगर साबित होता है या नहीं, ये कहना भी जरा मुश्किल ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।